तकसन जनाब, ये बताएं कि ये बच्चे को लेके फरार होते हैं। आपके व्यूवर्स के लिए डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब पेयर है पूरा। तो पेटीग्री है, नॉन पेटीग्री? अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं? ये इसकी डिमांड है। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी इनकी क्या है? इनके व्यूवर्स के लिए हो जाएगी 10,000 रुपये जोड़े। 70,000 डिमांड करें। बिल्कुल बिल्कुल प्योर है जी। कितने बच्चे आए? एक ग्रेड ये प्रीसी है। 4,000 ईच में हमारे व्यूवर्स को प्रोवाइड किया जाए, हमने इनसे रिक्वेस्ट किया और इंशाल्लाह की कंप्लीट है। लेकिन जिससे हमने अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल जुनेद जमशेद। एक बार फिर आप तमाम व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, एक बार फिर हम सदर संडे डॉग मार्केट में मौजूद हैं और मार्केट की कुछ सूरत हाल आप तमाम व्यूवर्स को दिखा देते हैं। यहाँ पे आज हमें काफ़ी क्वान्टिटी में डॉग्स नज़र आ रहे हैं जिसमें मल्टीपल ब्रीड्स मौजूद है। तो मार्केट का ओवरव्यू करेंगे, साथ साथ आप तमाम व्यूवर्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि मार्केट की क्या सूरत हाल है, क्या प्राइजेस चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसन हुसैन शाह। ये बताएं कौन सी ब्रीड लाए हैं डॉग की? गोल्डन रिट्रीवर। अच्छा, क्या डिमांड करें इसकी? इसकी मैं कर रहा हूँ 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये पेटीग्री है? पेटीग्री। अच्छा, अभी एज क्या है इसकी? 18 महीने, 18 मंथ्स। 18 मंथ्स एज बता रहे हैं, पेटीग्री बता रहे हैं, और ये बताइएगा वैक्सीनेशन हुई हुई भी है? अच्छा, तो फाइनल डिमांड क्या होगी व्यूवर्स के लिए? आपके व्यूवर्स के लिए डिस्काउंट हो जाएगा, अच्छा डिस्काउंट हो जाएगा, वो रब्ता करें मुझसे। अच्छा, मैं ये भी बताएं साथ साथ के कौन सी पेटीग्री है, ये जानना चाह रहे हैं ना? ये USA से इंपोर्ट हुआ हुआ डॉग है। USA इंपोर्ट है? अच्छा, तो फाइनल बिल्कुल फाइनल ऑफ़र क्या होगी व्यूवर्स के? आपके व्यूवर्स के लिए 95.90। अच्छा, ये नॉर्मल अगर हम देखें लैब्राडोर, तो उसकी नस्बत इसका साइज़ में जो ह्यूज नज़र आ रहा है। ये लैब्राडोर नहीं है, लैब्राडोर रिट्रीवर है। लैब्राडोर रिट्रीवर है, गोल्डन रिट्रीवर कहते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन इनका साइज़ में वेरिएशन आती है, तो इसकी क्या खासियत है जो हमें इतना ह्यूज साइज नज़र आ रहा है? ये USA वाला है ना, इनमें भी नस्ल्स आती हैं, इनमें भी ब्रीड्स आती हैं। अमेरिकन होता है, ब्रिटिश होता है, और अलग अलग नस्लें आती हैं इनके अंदर भी। ये है USA, USA ब्रीड है। अच्छा, साथ साथ ये बताएं इसकी डाइट क्या है, अभी क्या खिला रहे हैं? इसकी डाइट है, इसकी तो अभी भी डॉग फूड था वो हटा दिया क्योंकि इस पर फैट आ रहा था। अब इसको मैं दे रहा हूँ बॉयल चिकन, बॉयल राइस और बॉयल मिल्क। अच्छा, जो आप एज बता रहे हो उससे मुझे बड़ा लग रहा है। नहीं नहीं, 18 मंथ्स ही है। 18 मंथ्स अभी तक इसका स्टड नहीं हुआ हुआ, अभी तक इससे ब्रीड नहीं ली हुई। आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल, आपके व्यूवर्स आएंगे हम सब कुछ दिखाएंगे। अभी करंटली मौजूद नहीं है? करंटली मौजूद हैं, भाई आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। चले, अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर। मेरा नाम हसन हुसैन शाह है, 03102131642। सीरियस बायर रब्ता करिएगा, फजूल के बायर रब्ता नहीं करिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जैन। जैन, ये बताएं कौन सी ब्रीड है ये? ये जर्मन शेफर्ड है। जर्मन शेफर्ड है, क्या डिमांड करें? इनकी 3.5 लाख रुपए दोनों की। जी, 3.5 लाख रुपए दोनों की डिमांड कर रहे हैं। जी। मेल फीमेल है? दोनों मेल है। ये फीमेल है और वो मेल है। अच्छा, पेयर है पूरा। तो पेटीगिरी है, नॉन पेटीगिरी? ये पेटीगिरी है। पेटीगिरी है, पेपर है इसके आपके पास? जी, सब कुछ है। अच्छा, तो ये बताएं कि वैक्सीनेशन हुई हुई है इसकी? जी हुई हुई है। दोनों की एज क्या है? एक साल है। एक साल है। फाइनल कितने में देंगे? फाइनल जो व्यूवर आएगा उसके लिए कर लेंगे, कुछ कमी पेशी कर लेंगे। फिर भी एक माइंड सेट होता है कि मैंने इतने तक में दे देना। जी, 10-20,000 रुपये कम कर लेंगे। अच्छा, 10-20,000 रुपये कम कर लेंगे पर पीस। अगर कोई सिंगल लेना चाहे पर पीस के लिहाज से क्या प्राइस? सिंगल नहीं, हम पूरा पेयर देंगे। पेयर देंगे। चले, अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दें। 03533084518। नाम मेंशन कर दें। जैन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा अली। हमजा, ये बताएं कौन सी ब्रीड है? साइबेरियन हस्की। साइबेरियन हस्की, अच्छा। सिंगल कोड है? सिंगल कोड है जी। स्टैंडर्ड कोड जिसको कहते हैं? जी जी जी। अच्छा, तो क्या डिमांड कर रहे हैं? 45,000 डिमांड कर रहे हैं। पेटीगिरी है? नहीं, नॉन है। नॉन पेटीगिरी है। और डाइट क्या है इसकी? ये वैसे तो दिन सुबह में तो चिकन चावल ले देते हैं जैसे, और शाम में डॉग फूड देते हैं। फ्रंट इसका आगे से आप कीजिएगा थोड़ा, ताकि आइस नज़र आए। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं एज क्या है इसके? अभी इसकी 22 मंथ। 22 मंथ जी। अच्छा, इसके मैं देख रहा हूँ ये हेयर जो है वो शेडिंग पर है। ये हम इलाके से वैक्सीनेशन करवाते हैं इसकी।
जी। अच्छा, ये वैक्सीनेशन के बाद होता है? जी जी नहीं, मतलब कि वैक्सीनेशन जो है इसकी लागे से कराते हैं, ये उठने बैठने में हो गया वैसे तो साइड है बिल्कुल। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ प्योर वाइट नहीं है, इसके ऊपर शेड आ रहे हैं। जी जी शेड आ रहे हैं। ठीक है, प्योर ब्रीड है या क्रॉस ब्रीड है ये? प्योर, बिल्कुल बिल्कुल प्योर है जी। चले अपने नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। 03112629203। नाम मेंशन करें? वाजिद अली। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक, फर्स्ट क्लास। आपका नाम? इफ्तखार। इफ्तखार साहब, कौन सी ब्रीड है ये? जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड है, प्योर ब्रीड है? जी प्योर ब्रीड है। पेडिग्री है? जी पेडिग्री है। जी जी। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 45,000। 45,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं? जी जी जी। और एज क्या है इसके? 9 महीने की है। 9 माह एज बता रहे हैं इसकी? जी जी। वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई भी है? जी, वैक्सीनेशन अभी करवाई नहीं है। नहीं करवाई है? नहीं नहीं। फाइनल कितने तक में देंगे व्यूअर्स? 40 तक दे दूंगा। डाइट क्या है इसकी अभी? डाइट वही घर का खाना वगैरह होता है जो, वही और रात के टाइम दूध वगैरह देते हैं बस, यही होता है। चलें, अपने नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। 03023495122। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? दुआएं आपके। आप क्या ले आए आज मार्केट में? आज मैं हस्की ले गया हूँ, साइबेरियन भाई। माशाल्लाह, तो क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? मैं 70 डिमांड कर रहा हूँ। 70,000 डिमांड करें। स्टार्ट ना रहे माशाल्लाह। एज क्या है इसकी? एज इसकी है 12 महीने। 12 माह एज बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कन्फर्म स्टार्ट मेल है ये? जी भाई। अच्छा, नॉन पेट है? जी नॉन पेट है। जो किस अगर कोई भाई बोलेगा तो उसको पेडागिरी कर, पेडागिरी कार्ड बनवा देंगे। अच्छा, ये भी बताएं साथ साथ इसकी वैक्सीनेशन हुई है? इसकी वैक्सीनेटेड है भाई। डाइट क्या है इसकी? इसकी डाइट अपना, इसको मैं बॉयल चिकन देता हूँ, बॉयल चावल बस। अच्छा, और एक्टिविटी तो ज़रूरी होती है, और जैसे कि गर्मी पड़ रही है तो क्या एहतियात करते हैं? कुछ भी नहीं, खाली उसको बस धूप में दही वगैरह डाल दो बस, थोड़ा सा दही डाल दिया, थोड़ी सी रोटी डाल के उसको बस दोपहर की डाइट दे दी। चलें, गुड हो गया। अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। नाम मोहम्मद अहमद है, कॉन्टैक्ट नंबर है 03190983929। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। जज़ाकअल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अजीम। अजीम, ये बताएं कौन सी ब्रीड है ये? है पिटबुल। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं ये? इसकी डिमांड है 25,000। 25,000 डिमांड करें। एज क्या है इसकी अभी? जी एज क्या है इसकी? एज इसकी है तकरीबन, ये है 15 महीने का। 15 माह एज बता रहे हैं इसकी। 25,000 डिमांड करें। वैक्सीनेशन हुई है? वैक्सीनेशन सब कुछ हुआ हुआ है। नॉन पेट है? जी नॉन पेटागरी है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ निशान जो आए हुए, ये जो है ना, ये मतलब हम लोगों ने लड़ाई पे लगाया हुआ है। ये हमारा डॉग लड़ाई लड़ता है, और ये जो है ना हम लड़ाते हैं, हमारा शौक जो है ना ये लड़ाने का। ये बताएं, ये घर में फ्रेंडली तौर पे तो नहीं रखा जाता? फ्रेंडली तौर पे नहीं रखा जा सकता। अच्छा, यानी कि जिनको गार्ड डॉग के लिए चाहिए या जो शौकीन है वो ही ले के जाएं, वरना फैमिली डॉग तो नहीं है? फैमिली डॉग नहीं लेकर जाएं। अच्छा, मज़ल क्यों पहनाया है इसने? जी ये जो इसको मज़ल पहनाया, ये पकड़ लेगा ना कुत्तों को, लड़ाई लगा हुआ है, किसी भी कुत्ते को पकड़ लेगा हमारे लिए मसला हो जाएगा इस वजह से। तो अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर। जी नाम कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर। आपका अपना जी फ़ोन भी बता दें। 03162710500। नाम मेंशन कर दें। जी अजीम। अजीम, ये बताएं मार्केट में पहली दफ़ा लाए डॉग? नहीं, ये हम लोग दूसरी मरतबा लेकर आए हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैंने कहा आवाज़ नहीं आएगी ना, थोड़ा नीचे हो जाना चाहिए हेलमेट। और अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कौन सी ब्रीड है ये? है अमेरिकन पुडल। अमेरिकन पुडल है। पेडिग्री नॉन पेडिग्री? ये पेडिग्री नॉन पेडिग्री, तो पहले मुझे इसका मींस मतलब बताएं। मतलब ब्लड लाइन से? डॉक्यूमेंटेशन वगैरह? डॉक्यूमेंटेशन नहीं, डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं हुई। अच्छा, नॉन पेट है। वैक्सीनेशन हुई है? नहीं, वैक्सीनेशन भी नहीं हुई। क्या डिमांड करें? मैं इसकी डिमांड कर रहा हूँ 25,000। 25,000 रुपये डिमांड करें। अच्छा, और फीमेल है? एज क्या है इसकी अभी? इसकी है 9 महीने। 9 माह एज है, फीमेल है, 25,000 डिमांड कर रहे हैं। वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई है इसकी। और डाइट क्या है इसकी? इसकी डाइट बहुत बहुत सस्ती डाइट है, यानी घर की रोटी आम खा लेगा, केक बेकरी के जो 10-10 रुपये वो खा लेता है बस, और पोटी वगैरह घर पे नहीं करेगा, बिल्कुल रोक के रखता है, बाहर करता है, और नहाता भी, यानी नहाने में भी तंग नहीं करता। चलें, अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर। मोहम्मद रियाज है, और मेरा नंबर है 03154584782। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नादिया अली। अच्छा, ये बताएं कौन सी ब्रीड है ये?
ये किंग शेफर्ड है। किंग शेफर्ड है, आपको कैसे पता? मेरे को पता है, बस हम लोग खरीद के लाए थे ना इसको, छोड़ा कान में बताया था इसने। ठीक, कान में बताया था इसने? नहीं। कैसे पता आपको ये किंग शेफर्ड है? क्योंकि इसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं और ये शेफर्ड है। अच्छा, क्या डिमांड करें इसकी? इसकी 10,000 है। 10,000? कितनी एज है इसके? इसके भी 1 or 2 months है। 1 or 2 months है, तो वो तो काफ़ी छोटा हो गया है, मदर फीड पे होता है जी। नहीं, ये भी ये 2 महीने का होने वाला है। तो इसको क्या खिला रहे हैं आप? इसको भी डॉग फूड खिला रहे हैं और डबल रोटी, दूध और अदरवाइज कुछ भी खिला रहे हैं इसको। अच्छा, तो ये बताएं कि बेचने की क्या वजह? बस हमारी मम्मा नहीं मान रही। माय गॉड, पिछले हफ्ते लेके आए थे लेकिन मम्मा नहीं मान रही। चलें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा जी इंशाल्लाह। अच्छा, अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। नाम मेरा नादिया जी है और कॉन्टैक्ट 03483605066। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान, ये बताएं कौन सी ब्रीड है ये? जर्मन शेफर्ड है सर। पक्की बात है? अच्छी बात है। तो क्या डिमांड कर रहे हैं? 45 का मेल बेच रहे हैं और 35 की फीमेल। फीमेल पप्पीज है सेल के लिए? ये बड़ा डॉग ये नहीं, शो कराने के लिए लाएंगे जी, इसके बच्चे हैं। अच्छा, ये मदर है इनकी और ये पप्पी सेल कर रहे हैं। 45,000 मेल की डिमांड कर रहे हैं, उठाइएगा। चौक के आगे उधर दिखाएं, उधर दिखाएं कैमरे सर। ये 35 की है, सही है, फीमेल है ये और ये मेल है। ये 35,000 रुपये डिमांड बता रहे हैं और ये 45 का। 45,000 इसकी डिमांड बता रहे हैं, 35,000 इसकी डिमांड बता रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये बेबीज़ जो हैं वो उनकी ब्लड लाइन क्या है, क्वालिटी क्या है? ये तो मेरे को नहीं पता। नहीं पता तो घर की ब्रीड है तो अच्छे डॉग से स्टार्ट कराया होगा ना? हाँ, वो तो है, मेल मूवी है इसकी हमारे पास। मूवी है आपके पास? तो मेल बहुत दूर है। अच्छा, बच्चा गाड़ गया। अच्छा, ये अलग अलग साइज़ के नज़र आ रहे हैं मुझे, थर्ड वाला बेबी भी निकालें। अलग अलग साइज़ के क्यों नज़र आ रहे हैं? अभी ये बताएं एज? ये ज़्यादा दूध पीता है, ये कम पीता है, ये उससे कम पीता है। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी इनकी क्या एज है? अभी ये 1 महीना 10 दिन के हैं। तो अभी आपने मदर फीड से हटा दिया इन्हें? नहीं नहीं, वो भी करते हैं, वो भी खिला क्या रहे हैं अभी? चावल खाते हैं। पारवो का इंजेक्शन लगाया? नहीं, अभी नहीं लगाया। नहीं लगाया, चलें। तो ये ब्रीड इनके पास मौजूद है व्यूवर्स, अगर कोई लेता है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पारवो का इंजेक्शन लाजमी तौर पे लगवा लें, क्योंकि इतने छोटे बेबीज़ जो होते हैं वो अफेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। नंबर 03118254357। नाम बता दें। सैमुअल। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़ाइस। वैसे तो नाम मालूम था, हमने कहा फिर भी एक दफ़ा पूछ लें। जी जी। अच्छा, ये बताएं कि कौन सी ब्रीड लेकर आए? अगवान गुची है। अच्छा, तो क्या डिमांड कर रहे हैं? अगवान गुची के 12,000 रुपये के जोड़ा। ये जितने पपीज़ आपके पास मौजूद है सब अगवान? जी जी। उठाइएगा इसमें से। बारह हज़ार रुपये डिमांड कर रहे हैं, अगवान कुछ ही ब्रीड बता रहे हैं। क्या एज के इनके अभी? इनकी 2-2 महीने के अभी। 2-2 माह के हैं अभी। अच्छा, तो सेल्फ पे आ गए, सेल्फ फीडिंग? जी जी। क्या खिला रहे हैं? दूध डबल रोटी खिला रहे हैं और इसके अलावा चिकन खिला रहे हैं, बोनस रेशा करके, बोटियाँ बोटियाँ करके। डाइट क्या है इनकी अभी? इनकी दूध डबल रोटी और चिकन है। वैक्सीनेशन हो गई है? नहीं, वैक्सीन नहीं हुई हुई इसकी। एक्चुअल मतलब डाइट से मुराद ये था कि एक्चुअल क्या दे रहे हैं आप? एक टाइम पे ये दे देते हैं, दूसरे टाइम पे? एक सुबह के टाइम पे दूध डबल रोटी दे रहे हैं और शाम के टाइम पे चिकन उबाइल करके दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बता दें साथ फाइनल डिमांड क्या होगी व्यूअर्स के लिए? व्यूअर्स के लिए आपके जो थ्रू से आएंगे व्यूअर्स के लिए होगी 10,000 रुपये जोड़ेगी। 10,000 रुपये फाइनल जोड़ेगी हो जाएगी पेयर के? 10,000 रुपये पेयर के डिमांड बता रहे हैं फाइनल, और वैक्सीनेशन नहीं हुई होगी। पहले नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। मोहम्मद फैज मेरा नाम है, 03142562818। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नईम। नईम साहब, ये बताएं कौन सी ब्रीड है? लेब्राडोर है। लेब्राडोर है, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसके 35। 35,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं जी। अच्छा, चॉकलेट शेड आ रहा है, ब्लैक शेड आ रहा है? चॉकलेट है। चॉकलेट है जी। अच्छा, ये बताएं ये पेटिगरी है नॉन पेटिगरी? पेटिगरी है। पेटिगरी है। डॉक्यूमेंट्स हैं इसके आपके? डॉक्यूमेंट्स हैं। वैक्सीनेशन हो गई? वैक्सीनेशन भी हो गई। कितनी उम्र है इसकी अभी? 3.5 महीने। 3.5 माह। ये चेकिंग भी करता है, वॉशरूम भी करता है और उसके बावजूद बुलाने पे आ जाता है। अपने नाम और कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दो। मामन नईम मेरा नाम है, 03030
5965059। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इसहाक। ये बताएं कौन सी ब्रीड है ये? लेब्रा। लेब्राडोर है? हाँ। अच्छा, क्या डिमांड करें इसकी? ये 20,000 की। 20,000 रुपये डिमांड करें। अभी इसकी एज क्या है? ये हो गई है ये अभी 3.5 साल की। 3.5 साल की हो गई। अच्छा, तो इससे अभी तक आपने ब्रीड लिए? लिए दो दफ़ा। हाँ। कितने कितने बच्चे आए एक ब्रीड में? एक पहली ब्रीड में 2 आए, फिर दूसरी में आए 4। अच्छा, दूसरी ब्रीड में 4 बच्चे आए इसकी। पहली ब्रीड में 2। वैक्सीनेशन हुई भी? हाँ, वैक्सीन की थी। हाँ। अच्छा जी, तो इसकी डाइट क्या? अभी क्या खिला रहे हैं? अभी यही स्लाइस देते हैं, दही देता हूँ इसको दिन में। हाँ, रात में बस एक दफ़ा इसका खाना, वो एक चिकन के साथ। जब इससे ब्रीड ले रहे हैं और यकीनन फ़ायदा तो होता होगा उससे, तो फिर सेल क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी बस ख़त्म कर रहा हूँ, जहाँ से लाया हूँ ना, बस एक दफ़ा बच्चे लिए हैं मैं, फिर अभी मेरा घर छोटा है। कहाँ से लाएँ? मैं नाजमाबाद से। चले जनाब, अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दें। मेरा नाम है इसहाक है। नंबर 0317118974। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मुनव्वर नाम है शामी भाई मेरा। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। सब माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ बड़े आप स्टाइल से खड़े हैं यहाँ पे 2 डॉग लेके। जी भाई, बिल्कुल खड़े हुए 2 डॉग, ये पेडिग्रीड ब्रीड में से खड़े हुए लेके इनको बेचने के लिए। अच्छा, तो कौन सी ब्रीड बता रहे हैं आप? ये प्रीसियो है, प्रीसियो कैरेरियो। ये इटालियन ब्रीड है और ये बच्चे हैं अभी 7 महीने के, छोटे हैं। 7 माह के बच्चे हैं? जी, 7 महीने के बच्चे हैं। ये कमज़ोर क्यों लग रहे हैं अभी? कमज़ोर ये इसलिए लग रहे हैं कि इनकी बढ़ती हुई हाइट है, तो जाहिर सी बात है खुराक की भी थोड़ी बहुत कमी है इनके लिए। जो लेके जाएगा अच्छा खिलाएगा उस जैसे हो जाएंगे। अब थोड़ा सा अफोर्ड करना ना भी करना वाला भी मसला हो जाता है। तो क्या डिमांड करें? मैं इनकी डिमांड 80,000 रुपये कर रहा हूँ। दोनों की दोनों मेल हैं? दोनों मेल हैं, 80,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। तो ये बताएं कि अभी एज क्या बता रहे हैं इनकी? 7th मंथ है इनकी एज। 7 मंथ एक की एज है? दोनों की एज 7th मंथ के हैं, दोनों 7 महीने के बच्चे हैं ये। अच्छा अच्छा, ये गार्ड डॉग के तौर पे रख सकते हैं? बेहतरीन गार्ड डॉग हैं, इनके अंदर लॉयलिटी बहुत है और ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यानी कि गार्ड डॉग इससे अच्छे मेरी नज़र में और कोई नहीं है। बड़ी ब्रीड में से बड़े होंगे कम से कम, ये इतने बड़े हो जाएंगे। ये अभी 7 महीने के बच्चे हैं, इनके फादरों की भी वीडियोज़ है मेरे पास, सब कुछ है, इनकी पूरी हिस्ट्री मौजूद है। ये सर्टिफिकेट है इनके मेरे पास डॉक्टर के, वो मतलब पूरे सर्टिफिकेशन की भी है, वैक्सीनेटेड हुए हैं, वैक्सीन की भी है। फैमिली डॉग है, फैमिली के साथ रखे हैं, बच्चों के साथ खड़े हैं आपके सामने। एक टाइम की जो खुराक होती है वो कितने होती है इनकी? एक टाइम की खुराक समझ लें कि एक वक्त के अंदर मैं इनको देता हूँ 6 रोटियाँ और आधा किलो दूध एक कुत्ते को, 6 रोटियाँ आधा किलो दूध एक कुत्ते को। रात के टाइम में 1 पाव गोश्त और 1 पाव गोश्त के साथ इनको जो है ना दोबारा 6 रोटियाँ और गोश्त का सूप, वो इनकी खुराक है ये। यानी फीड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से थोड़े से एक्सपेंसिव है? थोड़े से एक्सपेंसिव है ये, थोड़े से मतलब बड़ी ब्रीड है, जाहिर से बढ़ती हुई ब्रीड है। जब इनका साइज़ बड़ा होगा तो ये ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएंगे, जितना खाएंगे उतने बड़े होंगे। अब आप जैसे बोल रहे हैं कि कमज़ोर हैं, जाहिर से कमज़ोर हैं, रोज़ाना 300 देख रहा हूँ ना इनके जो फीड है ना, फीड पे भी कमज़ोरी के निशानात नज़र आ रहे हैं। वो एक्यूरेट हैं, वो सब एक्यूरेट हैं। ये बड़ी अभी देख रहे हैं आप कितने बड़े हो गए, इनके पाँव देखे कितने बड़े हो गए। मसला ये नहीं है कि ये अभी गर्मी भी है, आज कुछ ज़्यादा टेम्परेचर है जिसकी वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो बस ये मामला आते हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है, ऑफर तो आ रही है मुझे, 60,000 की भी ऑफर्स आई हैं यहाँ पे खड़े हो गए। मैंने नहीं दिए, मैं 80 मांग रहा हूँ इनके, वो भी बहुत कम मांग रहा हूँ, रिजनेबल है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो बस ये आपके वीडियो के हिसाब से रब्ता कर ले, आपकी वीडियो हमने भी देखी है बहुत माशाल्लाह। अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333221420। मुनव्वर नाम है मेरा। जो भी भाई आएगा लेने वाला रखने वाला हो, खास तौर पे स्पेशली फार्म हाउसेस के लिए, बड़ी जगहों के लिए, ये उनके लिए सबसे बेस्ट गार्ड डॉग है, बेहतरीन किस्म का गार्ड डॉग साबित होगा उनके लिए। और वफादारी इनके अंदर बहुत है, लॉयलिटी है, फैमिली डॉग भी है। बर्ड से बचा के रखें बर्ड्स को भी? नहीं, मेरे घर में मुर्गे भी पले हुए, कोई इशू नहीं है मेरे लिए, कोई इशू नहीं है। मुर्गे भी पले हुए उनके साथ होते ही है, कोई उनको तो नहीं पकड़ते ही है, बेहतर है भी है उनके साथ होते हैं, इनको कोई इशू नहीं है। चलें बेहतर है, जज़ाकअल्लाह। ठीक है शामी भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। एक पप्पी बेचने आया था, आपकी वीडियो बनी थी और आपकी वीडियो की तवस्सुत से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आपका। मेरे 4 पप्पीज बिके हैं जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था इधर का एक्सपीरियंस आपकी वीडियो के साथ, और 4 पपी सेल किया। जी, लेब्राडोर का पपी लेकर आया हूँ। 6 माह जनाब। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वाई सलाम, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जैसे न्यूज़ सुनाई कि 4 पपी सेल कर दिए हैं आपकी वीडियो की तवस्सुत से, जज़ाकअल्लाह। तो अब ये बताएं कौन सा पपी लेकर आए? ये लेब्राडोर है,
ब्रिटिश लेब्राडोर है, 6 months इसकी एज है, फुली वैक्सीनेटेड है और इम्पोर्टेड चैम्पियन ब्लड लाइन से ही है और क्वालिटी आपके सामने नॉन पेट है? नहीं नहीं जी, पेडिग्रीड है, 110 इम्पोर्टेड चैम्पियन ब्लड लाइन का पपी है, 6 months इसकी एज है। ठीक है जनाब, तो अभी डाइट क्या है इसकी? इसकी डॉग फूड पर रखा हुआ है, चिकन चावल पर रखा हुआ। ठीक है, अभी एज बताई आपने इसकी? 6 months, नियरली 6 months का हो गया। 6 month एज बता रहे हैं इसकी, और वैक्सीनेशन हो गई? कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड जी, 4 shots लगे हुए, 2 इसको बायोकैन पपी लगे हुए, 2 बायोकैन LR लगे हुए इसको। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट? ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट विद माइक्रोचिप, सब कुछ मौजूद है मेरे पास। अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। 03144038464। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा सनलाइट से दूर। जी जी जी, बस अभी उतर हूँ, आपको देखा वीडियो बनवाई, वीडियो के लिए आता हूँ सिर्फ मैं, एम्प्रेस मार्केट के लिए, आप ब्रांड है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अवेस। अवेस, ये बताएं कौन सी ब्रीड है ये? ये अफगान कुची। अफगान कुची है ये? अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 30,000। 30,000 रुपये। अभी उम्र क्या है इसकी, एज कितनी? उम्र ये हमारे ख्याल से 6 महीने का। 6 महीने का? 6 महीने से तो ज़्यादा है एज। कम है, कम, 6 महीने से थोड़ा कम है। अच्छा, खिला क्या रहे हैं इसको? ये जो सब कुछ खा रहा है, गोश्त खा रहा है, जो भी दे उसको खाते हैं। ठीक, और ये बताएं कि अभी वैक्सीनेशन हुई है इसकी? नहीं, वैक्सीन नहीं हुआ हुआ। ठीक है जनाब, और एक्टिविटी क्या है इसकी? बाइट वाइट तो नहीं करता? मैंने सुना अफगान कुछ एग्रेसिव होते हैं। पाइट करते हैं, जो कुछ बोलते हैं वो उसी से पाइट करते, वरना नहीं करते। अच्छा, काटता है, लेकिन वो डिपेंड करता है इसके मूड के ऊपर। फिर काट। चले, अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दें। नंबर नहीं है, लेकिन नाम क्या है? अवेस। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बस जमशेद भाई, नील नाम है। अच्छा जनाब, और खैरियत से? बस आप भाइयों की दुआ। जमशेद भाई, ये कौन सी ब्रीड है? जमशेद भाई ये बुली है, 3.5 साल का है, और वो बुली गुलटेर है। ओए, ये मेरा पापा बुली गुलटेर है। लड़ते तो नहीं आपस? नहीं नहीं, थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है, कुत्तों को देख के वैसा है, वैसे घर का जानवर है। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं सर? इसके मैं 25 मांग रहा हूँ, उसके मैं 10 माह का है 60 कर रहा हूँ, लेकिन आपके चैनल के थ्रू कोई आएंगे तो मैं कम कर दूंगा। और माशाल्लाह से ये शिजू रशियन है, और मेरे पास शिजू है, रेड का जोड़ा है मेरे। इनकी क्या डिमांड है सर? इसके मैं 50 मांग रहा हूँ, ओरिजिनल शिजू है सर। एज क्या है इसकी सर? इसकी 2 माह है। 2 माह है। अच्छा, तो डाइट क्या है इसकी अभी सर? डाइट में वही बंस वगैरह, दूध, सेरेलैक्स वगैरह दे रहा हूँ। और ये जो हम पपीज देख सर, ये पपीज भी मेरे 2 माह 3 दिन के हैं। इनकी क्या डिमांड है सर? इनकी मैं मेल की 8,000 मांग रहा हूँ और 7,000 फीमेल की मांग रहा हूँ। आएंगे इंशाल्लाह। चलें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप हमारे व्यूवर्स के लिए 4,000 में दे दिएगा सर। मेरी कोशिश है, लेकिन 4,000 बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन कुछ कर दूंगा, कर दूंगा मैं सर आपके चैनल के। और कैट्स का जोड़ा है सर, 20,000 में मांग रहा हूँ, लेकिन मैं कर दूंगा। अच्छा, ये तमाम वैक्सीनेटेड हैं जितने भी आपने डॉग सिखाए? सर उसकी वैक्सीनेट कंप्लीट है, इसकी नहीं है, इसकी करवानी है मुझे। और ये वाला मिलेगा, ये वाला जो डॉग देख रहे हैं, इसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है। इसके फाइनल रेट क्या होंगे, प्राइस? बिल्कुल सर, इसके मैं फाइनल इसके मैं 45 तक छोड़ दूंगा मैं, 45,000। और ये बताएं इसकी डाइट क्या है सर? डाइट में वही जो घर का सालन होता है या बाहर का, जो भी दें वो खा लेता है। एज क्या है सर? इसकी एज 10 माह है। अच्छा, और इस वाले डॉग पे आ जाते हैं? इसकी है 3.5 साल एज है। अच्छा, डाइट क्या है इसकी? डाइट में जो भी दे दें वो, मतलब घर के जानवर हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, खा लेते हैं। अच्छा, तो वैक्सीनेशन हुई भी है सर? इसकी वैक्सीनेशन मतलब ख़त्म हो चुकी है, दोबारा करवानी पड़ेगी। अच्छा, ये निशान तो देख रहा हूँ मैं इसके ऊपर, ये फाइटर है, मेरे पास साल पहले आया था। वो ख़तरनाक नहीं है मार्केट में ऐसे फाइटर डॉग को आप ऐसे लेके घूम सर? आपके सामने आप बराबर में खड़े हुए, फिर भी ये डॉग को देख के एग्रेसिव? नहीं सर, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप खुद देख रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं आप इसकी, आप इसको हाथ घुमाएं, इस वक्त आप इसके सामने न्यू खड़े हुए हैं, तो कोई एग्रेसिव नहीं है। वो थोड़ा सा जानवर को देख के एग्रेसिव हो रहा है, लेकिन काटता वो भी नहीं है सर। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने इनसे रिक्वेस्ट किया आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफ़र के लिए, तो यहाँ पे जो इनके पास बेबीज़ मौजूद हैं, ये 4,000 ईच में हमारे व्यूवर्स को प्रोवाइड किया जाए, ये हमने इनसे रिक्वेस्ट किया, और इंशाल्लाह ये इस रिक्वेस्ट पे अमल करेंगे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, तो ये हमारा आज की वीडियो का ऑफ़र सेशन हो गया इंशाल्लाह। चले, अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। मेरा नाम अनिल है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 03102369821। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कौन सी ब्रीड है ये? शिट्ज़ू का बच्चा है।
शेट्जू का बेबी है ये? हाँ, कुडल और शेट्जू में कराया सर। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसकी सर 35,000 पे डिमांड कर रहा हूँ। लॉन्ग कोट का बच्चा, शो क्लास का। ये समझ नहीं आया मुझे, इसके आगे से फ्रंट से हेयर जो है वो बड़े हैं, लॉन्ग है, और पीछे से थोड़े से शॉर्ट है। असल में ये देखें ना, अभी शेडिंग कर रहे हैं ना, शेडिंग कर रहा है ये। इंशाल्लाह ताला ये जब पूरा फर अपना बना करेगा तो ये तकरीबन टोटल बाल इसके यहीं तक हो जाएंगे। नहीं, जैसा कि आपने दो ब्रीड का नाम लिया, इस वजह से तो नहीं आ रही है थोड़े से? नहीं 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 सर। ठीक है जनाब, तो इसकी डाइट क्या है? इसकी डाइट, इसको थोड़ा बहुत डॉग फूड देते हैं, चिकन राइस वगैरह, रोटी वगैरह सालन में ऐड करके डालते हैं। मतलब एज क्या बताइए इसकी? इसकी तकरीबन 12 महीने एज हो गई है। 12 माह एज है इसकी। अच्छा, और वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई? वैक्सीनेशन जी बिल्कुल कंप्लीट है इसकी। चलो, अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर। नाम सर शौकत अली, कॉन्टैक्ट नंबर 0340-8243-8046, यही व्हाट्सएप है, यही कॉन्टैक्ट नंबर है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। तो रज़ा, क्या लेकर आए आज मार्केट में? आज हस्की और पुडल रशियन। चलें हस्की से स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, ये हस्की इनके पास मौजूद है जनाब, इसके बारे में बताएं। ये फीमेल है, लॉन्ग कोट, और एज इसकी 8 महीने। फ्रंट से उठा दो जी, इसके बारे में बताएं। ये हस्की है फीमेल, 8 महीने की है ये, और प्राइस जो है इसका 45,000 है। 8 माह की है, तो इसकी वैक्सीनेशन हुई है? वैक्सीनेशन इसकी सबकी कंप्लीट है, लेकिन जिससे हमने परचेज़ किया उन्होंने कार्ड नहीं दिया इसका। अच्छा, कार्ड नहीं दिया इसका, नॉन पेट है? नॉन पेट है। अच्छा, इसकी हाइट मुझे कम नज़र आ रही है, क्रॉस ब्रीड तो नहीं है? नहीं, क्रॉस नहीं है, लेकिन पता नहीं कि इसकी हाइट इतनी है। ठीक है, 8 माह इसकी एज बता रहे हैं, और लॉन्ग कोट स्टैंडर्ड? लॉन्ग कोट है, लॉन्ग कोट फीमेल। ये क्या शेडिंग कर रही है? ये असल में जो है ना, केयर नहीं करी जिसने रखी थी ना, नोट्स बन गए नोट्स हेयर के अंदर, जो नोट्स बन गई है हेयर के अंदर। तो जैसे अगर आप कंघा इसको मारते रहेंगे ना, ये सिलो सिलो साफ हो गए, नए बाल आ जाएंगे इसके ऊपर। चलें ठीक है, तो फाइनल डिमांड क्या होगी व्यूअर्स? फाइनल डिमांड इसकी 40,000 हो जाएगी व्यूअर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डॉग की जानिब चलते हैं। अब ये जो हम रशियन देख रहे हैं, इसके बारे में बताएं। ये रशियन फीमेल है ये भी, और पॉकेट साइज है, ये बहुत फ्रेंडली है फैमिली के लिहाज से। क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसकी 15,000 है, 13,000 फाइनल हो जाएगी इसकी। 13,000 फाइनल डिमांड बता रहे हैं। प्लस पॉइंट ये बताइएगा कि इसकी एज क्या है अभी? एज इसकी 6 महीना। 6 माह इसकी एज है। और डाइट क्या है इसकी? डाइट इसकी सबकी कॉमन ही होती है, चिकन चावल, दूध चावल और डॉग फूड बेबी के लिए। डॉग को दूध नहीं देना चाहिए? नहीं, चावल के साथ चलता है ये दूध। अगर ऐसे अगर आप सादा दूध देंगे तो उससे इसको मोशन लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा पपीस जो मौजूद हैं उसके बारे में बताएं। पपीस निकाल लो पहले। तो ये जो हम पपीस देख रहे हैं, इनके बारे में बताएं। ये रशियन का पूरा पेयर है, ये वाला मेल है, ये फीमेल है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसके? 15,000 है दोनों के। पेयर की डिमांड 15,000 कर रहे हैं। अच्छा, एज क्या है इनकी? एज इनकी 2.5 महीने दोनों की। ठीक है, और डाइट क्या है इनकी? डाइट इनकी वही है, चिकन चावल, यखनी चावल। वैक्सीन? वैक्सीन इसकी पार को हुई हुई है, और बाकी जो है वो करवानी पड़ेगी रेबीज। ओके, सेकंड पपी की जानिब चलते हैं जनाब। ये पुडल टेरियर है, लॉन्ग कोट के अंदर है, और इसकी जो पिंक नोज है, इसकी जो प्राइस है वो है 20,000, और फाइनल इसके हो जाएंगे 18,000 रुपये। एज क्या है इसकी? एज इसकी 2 महीना। 2 माह एज है, 20,000 रुपये प्राइस बता रहा हूँ, और फाइनल होंगे 18,000। 18,000। और वैक्सीन इसकी हुई भी? वैक्सीन इसकी भी नहीं हुई भी, लेकिन करवानी पड़ेगी, सिर्फ पार को हुई भी इसको। मेल है फीमेल है? ये मेल है। मेल है। तो व्यूवर्स, ये ब्रीड मौजूद थे इनके, और आप देख सकते हैं इनके पास पपीज़ भी मौजूद थे, रशियन डॉग, इसके अलावा हस्की लेकर आए थे। जनाब, अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर। नाम मेरा मोहम्मद रजा है, लोकेशन हैदराबाद, और कॉन्टैक्ट नंबर 0313317104, और व्हाट्सएप भी इसी नंबर पर। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो व्यूवर्स, आज इनके वालिद साहब भी यहाँ पे खड़े हुए, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। ये बताएं कि रजा लायक बच्चे हैं? जी जी, माशाल्लाह से इसमें सही चल रहा है। जी जी, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला जो है ना, इसमें कुछ दाल रोटी दे देता है बस। अल्लाह पाक बरकत दे आपके कारोबार में, और इतनी मेहनत करते हैं, हैदराबाद से आते हैं, तो क्या सुबह से निकलते हैं? जी, तकरीबन सुबह हम लोग 6-6:30 बजे घर से निकलते हैं, तो यहाँ पे 10-10:30 बजे तक हम लोग पहुँचते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे शाम में कितने बजे घर जाते हैं? तकरीबन 4-5 बजे हम लोग यहाँ से निकलते हैं, तो वहाँ पे तकरीबन 9-8 बजे तक वहाँ हमें पहुँचना होता है।
दैट्स अ गुड एफर्ट, सो अपनी टीम की तरफ से अप्रिशिएट करता हूँ और बच्चे को आपने आगे किया हुआ है, इसके एजुकेशन पे भी ध्यान दीजिए। नहीं माशाल्लाह से फर्स्ट ईयर में है ये एजुकेशन, तो मैं क्योंकि मैं भी जो है ना एजुकेशन में ही हूँ, तो मैं बच्चा तो हमारा पढ़ रहा है, बस पार्ट टाइम हमारा ये काम है। अल्लाह पाक बरकत है, जजाक अल्लाह ताला जी। तो व्यूवर्स यहाँ पे साकिब भाई काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, इतने मशहूर हो गए मार्केट में कि अब लिफ्ट ही नहीं करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यार, कैसे क्यों बदनाम करवा रहे हो मेरे को भाई? से बाबा साईं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये भाई तो ये बताएं क्या लेकर आए मार्केट में? यार ये शेफर्ड की बच्ची लाया था मैं 4.5 महीने की। ये एक साहब आए वो बोल रहे हम आप हर वक्त आपकी वीडियो देखते रहते हैं, आपको दुआएं देते रहता हूँ, अच्छे बंदे भी जरा काम से गए, इसकी पेमेंट करके गए मेरे को ना। अच्छा क्या डिमांड करी थी इसकी? यार इसके 40 करा था, 35 में दे दी। 40 डिमांड कर रहे थे और 35 में इसको सेल कर दिया है, तो अभी एज क्या है इसकी? ये 4.5 महीने की बच्ची है। अच्छा साकिब भाई 40 डिमांड की थी और 35 में दे दिया, 5,000 आपने कम कर दिए, तो सीधा जन्नत में जाएंगे, इतने नेक दिल आदमी आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी दुआओं से, सारे व्यूवर्स की दुआओं से इंशाल्लाह। पहले अल्लाह पाक बेहतर करेगा। वैसे एक्चुअल किस प्राइस में दिया? 35 में दिए। 35 में दिए जी जी। अच्छा तो ये बता दें कि ऐसे डॉग्स और आपके पास अवेलेबल हैं या अरेंज करने पड़े? आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एज क्या बता रहे हैं इसकी? इसकी 4.5 महीने हो गए हैं। 4.5 माह इसकी एज है जी जी। वैक्सीनेशन हुई भी? वैक्सीनेशन हुई भी जी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, फीचर्स जो ये साहब बाय कर रहे हैं ना उनको सब चीज़ें वीडियो में पता चल जाएगी जी जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो बोलते हैं आपकी वीडियो हम बहुत शौक से देखते हैं, और साकिब भाई को वीडियो देखता हूँ ना साकिब भाई की, उसके बाद आगे नहीं देखता। मैंने बोला भाई पूरी देखा करे, बोला इंशाल्लाह देखूंगा पूरी। अच्छा ये नॉन पेट है? जी नॉन पेडिग्री है, लेकिन बहुत अच्छी क्लास की माती है माशाल्लाह, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है माशाल्लाह, कलर भी बहुत अच्छे और हाइट वाइट भी अच्छी निकालेगी। स्टैंडर्ड कोड है? स्टैंडर्ड कोड है बिल्कुल। दोस्त ने गिफ्ट किया था? जी जी दोस्त ने दिया था, इसके एक्सचेंज में मैंने उसको साइबेरियन हस्की फीमेल दी थी। ये अच्छी बात है, ऐसे ताल्लुकात बना के रखने चाहिए, गिफ्ट आने जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी दुआओं से। बहुत अल्लाह पाक खुश रखे उससे। अल्लाह पाक खुश रखे आपको, और ऐसी मजाक करते हैं कभी माइंड नहीं कीजिएगा, हम सिर्फ एंटरटेन करने लगाऊंगा तो फिर यहाँ नजर नहीं आऊंगा। ये तो अच्छी बात कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके का आदमी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बड़ों ने भी ये सिखाया है भाई, हंसी खुशी रहो, दूसरों को भी खुशियाँ दो, किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करो। ये बाबा वाले लुक का क्या राज है? बाबा वाला लुक अभी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा आते जा रहा है। हो जाएगा, सर्दियों के एंड तक हो जाएगा। तो आज यही लेकर आते साकिब भाई? जी जी ये लाया था। जनाब अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दें। जी नाम मोहम्मद साकिब खान और कॉन्टेक्ट नंबर है 03122912531। अच्छा हस्की के बेबीज़ भी हुए थे मेरे पास, इसमें से दो बुक हो गए, एक खेपरों में दिए और एक जैकमाबाद, तो दो दिए और दो अभी अवेलेबल हैं, किसी को चाहिए हो तो बुक करवा सकते हैं। ब्लू आइज़ में, माँ बाप भी ब्लू आइज़ के थे, बबच्चे भी ब्लू आइज़ के हैं। क्या एज में? आज 17 दिन के हो गए माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं साकिब भाई, दोस्तों से गिफ्ट तो ले लेते हैं, गिफ्ट देते भी हैं दोस्तों को? नहीं जी कभी कभी। मेरी औकात तो नहीं है किसी को गिफ्ट देने के लिए। लेकिन ये ख्याल करता हूँ ना लोगों का, ये समझो एक तरह से गिफ्ट है। चले आप बोलते हैं मैं गिफ्ट लेके आगे गिफ्ट कर देता हूँ। हाँ गिफ्ट देता हूँ भाई, अल्लाह का शुक्र, ऐसी बात है बताना नहीं चाहिए, बुरी बात है, चलते रहती है सेटिंग। नहीं नहीं अच्छी, लेना तो बताना पड़ता है ना यार, ताकि जो देता है उसको खुशी हो। चलो यार अगला ये आ गए साहब। अस्सलाम वालेकुम। जबा जीते रहिए आपको अल्लाह खुश रखे। जजाकल्लाह खैरियत से हैं आप? फर्स्ट क्लास, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, जितना शुक्र अदा करे कम है। कुछ कम कर लो, जुनैद भाई की वीडियो देख के आया हूँ तो मैंने बोला चलें ले जाए। ये देखिए मेरा गिफ्ट आ गया, गिफ्ट भी आया, खुश रहे। और डॉग से आप मुतमईन हैं? हाँ फर्स्ट टाइम मैं ले रहा हूँ, अब सारी इधर मालूमात इन्हीं से लिया करूँगा, फ़ोन पे ले लूँगा, ऐसे घर जा कर ले लूँगा, मैं मलिर में ही रहता हूँ। आप पिए? आप मुझे क्यों गोल्डिंग पिला रहे थे? अरे साकिब भाई पिए आप? अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ये ज़्यादा बिजी हो जाते हैं तो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, मैं वहाँ ही रहता हूँ मलिर में, घर चला जाऊँगा। ये बात अच्छी की आपने हजरत, अल्लाह पाक खुश रखे आपको। और डॉग माशाल्लाह अच्छा है? आपको पसंद आया? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है डॉग, और थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, डाइट अच्छी रखेंगे तो और बहुत ख्याल करूँगा इंशाल्लाह इसका, क्योंकि जानवर की जो है वो बद्दुआ भी बहुत जल्दी लगती है, इंसान तो मुँह से बोल लेता है, ये तो बेचारा बोलता नहीं है। जैसे ये कहेंगे ना मैं वैसे ही रखूँगा, मेरा फर्स्ट टाइम है, इससे पहले मैंने नहीं रखा। दो टाइम खाना खिलाएगा सुबह शाम दो टाइम। चले बहुत शुक्रिया, ये भी आपकी
सिक्योरिटी करेगा यानी पूरे घर की हिफाजत करेगा। ये तो दायरे जर्मन शेफर्ड सिक्योरिटी गार्ड डॉग होते हैं। चले बच्चा मांग रहे थे, मैंने बोला बच्चा नहीं लें, थोड़ा बड़ा ले लें, वो सेट सही रहेगा आपके लिए। उन्होंने बोला चले ठीक है, मेरी बात मान ली, बोले चलो यही दे दो फिर आप। चले साकिब भाई बहुत शुक्रिया, आप दोनों को अल्लाह पाक खुश रखे। बस अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आपको भी सेहत दे अल्लाह ताला। सारी वीडियो देखता था पूरा, जितने भी अजीज है सबको कहता है लाइक करे भाई, इसको लगाया जाता है। अल्लाह पाक का करम, खुश रहिए आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, खैरियत से हजरत? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक खैरियत। तो सबसे पहले तो व्यूवर्स बताया तो ये हमारे व्यूवर्स हैं और बात करना चाह रहे थे कि जनाब मेरा भी इंटरव्यू इंक्लूड किया जाए। सो आप सबसे पहले क्या कहना चाह रहे थे हमारे व्यूवर्स? मेरा नाम डॉक्टर अकबर है, मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध में सीनियर वेटनरी ऑफिसर हूँ। मैं एक्चुअली मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा शौक़ था डॉग्स का ना, इसलिए डॉग्स ब्रीड्स की इसकी नॉलेज भी है और आपका पुराना सब्सक्राइबर है, बहुत ज़्यादा इसको मतलब इसका पैशन है डॉग्स का ना, मुख्तलिफ ब्रीड्स की नॉलेज भी है, लेकिन थोड़ा सा टिमिड टाइप का बच्चा है, लेकिन आपका पुराना सब्सक्राइबर है, इसका बड़ा शौक़ था कि जमशेद साहब से मेरी मुलाकात हो और मैं डॉग्स के बारे में डिस्कशन भी इसकी आपको मतलब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? अब्दुल वासी। अच्छा ये बताएं कि स्टडी करते हैं आप? जी करता हूँ। डॉग रखे हैं आपने? नहीं आज तक नहीं रखे। चले सबसे पहले हजरत मैं तो ये रेकमेंड करना चाहूँगा इसको, स्टडी पे तो आपने ध्यान देना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? उमैमा। कौन सी क्लास में स्टडी करती हैं? थ्री क्लास में स्टडी करती हैं। देखें हजरत बच्चे आप लेकर आए तो मुझे अभी एक बात याद आ गई है, यहाँ पे अभी एक वाकया पेश आया, बच्चा अगवा कर रहे थे, तो काइंडली बच्चों का खास ख्याल। हाँ वो बिल्कुल इसी मतलब इस चीज़ का मुझे तो बड़ा कॉन्शियस, बच्चों को लेके घूम रहे हैं और पेरेंट्स जितने भी आते हैं मार्केट में उन तमाम को मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा, हमारे व्यूवर्स हैं हमारी फैमिली है, तो काइंडली बच्चों का खास ख्याल किया। थैंक यू सर, इंशाल्लाह ताला इसकी तो मैं बड़ा केयर करता हूँ। जज़ाकअल्लाह हजरत। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान ये बताएं कौन सी ब्रीड है? ये डेलमेशियन है। अच्छा पेटिग्री है ये? नो नॉन पेटिग्री। नॉन पेटिग्री है तो क्या एज की है? आपने अभी इसकी ये ब्रीड कराई है? जी ब्रीड कराई है अभी। एज क्या है इसके अभी? एज इसकी 2 साल है। 2 साल एज है इसकी और ये ब्रीड इसकी मौजूद है। तो डॉग फॉर सेल है और ब्रीड फॉर सेल है? नहीं नहीं ये ब्रीड फॉर सेल है, ये ब्रीड आई है इसकी। तो मेल कौन सा था जो कि इसमें? अल्सेशियन था। अल्सेशियन था। तो इसमें एक जो है वो मुझे वाइट कलर में जो ब्लैक स्पॉट आई हुई डेलमिनेशन का कलर है वो नज़र आ रहा है, बाकी तो सब मुझे दरअसल ऐसे 2 आए थे एक मर गया। अच्छा जी। तो कितनी दिन के हैं ये बच्चे? ये अभी 20-20 दिन के, अभी तो मदर फीड में। जी मदर फीड में। तो कब तक होंगे ये सेल के काबिल? बस ये 10-15 दिन में हो जाएंगे, खाना स्टार्ट कर देंगे। क्या डिमांड करें? मैं ये वाइट वाला जो इसकी 20 डिमांड कर रहा हूँ, बाकी के 8। वाइट वाले के 20 डिमांड और बाकी? ठीक है। अभी वैक्सीन भी होनी है, पार्वो का इंजेक्शन भी लगना है, डीवॉर्मिंग भी होनी है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल छोटे हैं ना, इतनी जल्दी नहीं होती वैक्सीनेशन। पार्वो डीवॉर्मिंग रेबीज सारे ही होंगे अभी। नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दो। मेरा नाम सलमान है और कॉन्टैक्ट नंबर 03122096984। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदील। अदील ये बताएं कौन सी ब्रीड है ये? ये लेब्रा है। लेब्रा है। तो क्या डिमांड करें इसकी? 25,000। 25,000 डिमांड करें वैक्सीनेशन हुई पे? 2,000 कम कर लेंगे जी। 2,000 कम कर लेंगे। इसकी वैक्सीन हुई भी है? हाँ जी हुई भी है। वैक्सीन हुई भी है, 2,000 कम कर लेंगे, फाइनल डिमांड 23,000 हो गई। हाँ जी। अगर कोई 20,000 की ऑफर दे तो दे देंगे। दे देंगे। अच्छा एज क्या बता रहे हैं इसकी? 8 महीने का है। 8 माह का है ये। चलें तो अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दो। मोहम्मद नदीम है मेरा नाम। कॉन्टैक्ट नंबर 03013312522। चलें बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो व्यूवर्स यहाँ पे एक शख्स पकड़ा गया है जो कि बच्चा लेके फरार हो रहा था, तो आप तमाम व्यूवर्स से ये अपील करूँगा अपने बच्चों को हिफाजत में रखें, एहतियात करें, इस तरीके के लोग जो है वो लेके जाते रहते हैं। इसका फेस ऊपर कीजिएगा। तो ये शख्स है जनाब, ये बताएँ कि ये बच्चे को लेके फरार होते? ये वहाँ से बच्चा आया अपनी फैमिली के साथ, उसको ये पकड़ के उसकी वालदा अपनी बातों में लगी थी, ये उसको घसीटता हुआ यहाँ तक ले आया। हमने बच्चे को रोका, हमने बोला भाई क्या बात है, इसको जानते हो? बोला नहीं मैं नहीं जानता हूँ। मैंने बोला आप क्यों लेके जा रहे हो? मैंने बोला आप लेके क्यों जा रहे हो? ठीक है। बच्चे ने बोला कि ये मेरे से बदफैली के लिए मना रहा, मेरे को बोल रहा पैसे ले लो। अभी इसको पकड़ा तो ये इस चीज़ से पहले डिनाई कर रहा था, अभी हमने इसको बोला कि आप सच बता दो। देखो अभी इसको मार भी नहीं सकते, अहले सुन्नत इसने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी है, मौलाना मस्जिद का बता रहा है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैं तरबियत है यार,
कि ये चीज़ अगर रख के भी आप लोग ये काम करोगे बच्चों के साथ। अभी ये बता रहे कि लेके जा रहा था लाहौल वलकवत। तो व्यूवर्स, आप तमाम व्यूवर्स से ये अपील करूँगा, ऐसे शख्स से आप लोग बचें, एहतियात करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें और रोड पे अकेले ना जाने दें। आप लोग देख सकते हैं, जबकि ये जनाब बता रहे हैं किसी मस्जिद के मुल्ला हैं, मौलाना साहब हैं और नमाज भी पढ़ाते होंगे और इस तरीके के काम में मुलव्वस हैं। बड़े ही अफसोस की बात है, हमारा माशरा किस जानिब जा रहा है आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा इनको पुलिस के हवाले किया जाए। बस इंशाल्लाह मोबाइल को बोला, मोबाइल आते हैं। इस तरीके की हरकत को बिल्कुल भी आप लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना है। हम तो देखें मार्केट में आपको पता है डॉग सेल के लिए आते हैं, लेकिन हमारी यही कोशिश होती है कि हम आसपास नज़र रखते हैं। और अभी अल्लाह का ये शुक्र है कि बच्चा इसके हाथ से बच गया, नहीं तो अल्लाह जाने किसका वो बच्चा था। इसका तो बात वही है कि लिए अपने बच्चे की लाइफ तबाह करने वाला था ये। और अल्लाह का हमारे हम लोग के भी बच्चे हैं और हम तमाम लोग फैमिली वाले लोग हैं, तो इस तरीके का अगर हरकत ये खुद बता रहे हैं मैं शादीशुदा हूँ। अब इसको खुद को अंदाज़ा होना चाहिए कि खुद तुम मैरिड हो, शादीशुदा हो और तुम ये काम कर रहे हो। तो व्यूवर्स, ये बच्चा था जिसको अगवा किया जा रहा था जनाब। तो आप लोग देख सकते हैं कि मुल्क के हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, आपको ये ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे जी, क्या हुआ था? आप थोड़ी सिचुएशन बताएं हमें। मैं इनको बोल के गया था कि मैं वहाँ परिंदे देखने यार, तो मेरे को वहाँ से लेके बोल रहा है कि जो ना वहाँ चलो, वहाँ पे कोई देखेगा नहीं। फिर वहाँ से मैं हाथ छुड़ा के आया था। तो व्यूवर्स, ये आप लोग देख सकते हैं ये पोजीशन चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हज़रत, ये बताएं कि क्या सिचुएशन थी, आपने क्या इसमें अभी तक देखा? मैं पॉइंट में नौकरी कर रहा हूँ सामने, तो मैंने जमकटा देखा है, बंदे को भी पकड़ा हुआ, वो लोगों के हाथ में। अभी पुलिस को भी फ़ोन किया, रेंजर्स को भी फ़ोन किया है, तो अभी उनके हाथ में, अभी इंशाल्लाह वो सामने पुलिस के हवाले कर रहे हैं। मैं बच्चे का नाम वगैरह पूछा है, इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह आप कर लें। नाम पूछा है इनका, मैं घर का नंबर ले रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ेगी इनको बुलाने के लिए दोबारा, तो फिर मैं उनके हवाले करूँगा थाने वालों के। चलें, दिस इज़ द गुड एफर्ट फ्रॉम यू। तो आप तमाम व्यूवर्स को जो देख रहे हैं, उन तमाम व्यूवर्स की तरफ से आपको अप्रिशिएट करता हूं मैं जी सर। तो ऐसे ही काम करते रहें। और व्यूवर्स, आप तमाम व्यूवर्स से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एहतियात करें। आप लोग देख सकते हैं क्या पोजीशन चल रही है, बड़े अफसोस का मकाम है। क्या ख्याल है आपका? जी सर बिल्कुल। अभी आपको पता है कि रिसेंटली कितने वाक़ात हुए हैं कराची के अंदर, ये रोज़ाना का मामूल बन चुका है इनके लिए ना, कि इनका एक ग्रोह है। अभी ये नहीं पता कि शायद अकेला होगा, ये नहीं कह सकते, शायद कोई इसको इसके साथ और भी। मैंने कोशिश करी इससे बात करने के लिए, आप कौन हो, कहाँ से हो। फिर मैंने इसका शनाजी कार्ड वगैरह ले लिया सब कुछ, ये रहा, ये इसका शनाजी कार्ड है, इसकी पूरी डेटा वगैरह है। अभी तो मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूंगा, इसके जो भी डेटा है। शनाजी कार्ड दिखा देंगे ताकि मैं दिखा दूँ आप लोगों को। शनाजी कार्ड वगैरह है, ये रहा ये रहा, ये इसका शनाजी कार्ड, ये पुलिस की मोबाइल आ गई, ये ज़रा दिखाएँ। तो व्यूअर्स, ये मोबाइल आ गई, तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं मोबाइल आ गई है। और वो जो शख्स था जो अगवा कर रहा था बच्चे को, उसको मोबाइल में लेके जा रहे हैं और उस बच्चे को भी लेके जा रहे हैं साथ, ताकि केस इन्वेस्टिगेट कर सके कि एक्चुअल सिचुएशन हुई क्या थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि आवाम ने पुलिस के हवाले कर दिया उसको, और वो बच्चा जो है वो वापसी आ गया और यहाँ पे अपनी वालदा के साथ खड़ा हुआ, आप लोग देख सकते हैं। बस ठीक है, ठीक है। तारीख आप हैं? ठीक है जी। बस ठीक, तारीख आप ही हैं? जी 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 बिल्कुल। तो व्यूवर्स, ये पोजीशन थी मार्केट की, और आप तमाम व्यूवर्स को डॉग के ब्रीड दिखाई। आज मार्केट में हस्की भी मौजूद थे, पुडल्स मौजूद थे और मल्टीपल डॉग्स मौजूद थे। उम्मीद करता हूँ आज के ब्रीड आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ आप तमाम व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा कि आज मार्केट में एक नासाज वाकया भी पेश आया, बच्चा अगवा करते हुए पकड़ा गया। तो पेरेंट्स से यही अपील है कि जब भी मार्केट की जानब आएँ तो अपने बच्चों का ख्याल करें। और इसके साथ साथ उम्मीद करता हूँ आज की अपडेट आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आई होगी। और आप तमाम व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।